ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक़ अजमईन, बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ व अफ़ज़लिल मुरसलीन। सय्यिदना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैति अल तय्यबीन अल अतहरीन अल अकरमीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स वतहरहुम ततहीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल मअसूम अलैहि सलातु व सलाम: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़ीहि मा युर्दीक। हज़रात ग्रामी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माह मुबारक रमज़ान की 24वीं तारीख़ की दुआ के साथ मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने शब कदर बेहतरीन तरीके से बसर की होगी और अपने लिए भी और मोमिन मोमिनात नीज़ हमारे लिए भी दुआए खैर ज़रूर की होगी। अल्लाह आप सबकी इबादतों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आज का जो फ़िक्रा है वो रज़ात परवरदिगार से मुतल्लिक़ है और गज़ब परवरदिगार से दूरी के लिए है। रज़ात परवरदिगार से मुतल्लिक़ पहला ही फ़िक्रा है जिसमें मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं: खुदाया हमें जो क्या है इसमें तेरी रज़ा चाहिए। ठीक है, वो काम करें जिसमें तेरी रज़ा हो, तेरी खुशनुदी हो, जिनसे तू खुश हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़ीहि मा युर्दीक। माबूद, हम इस रोज़ में तुझसे सवाल करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसके लिए तू राज़ी है, जिनसे तू राज़ी है, यानी वो अमाल अंजाम दे जो तुझे पसंद हो। वो अमाल अंजाम दे कि जिनके अंजाम देने पर तेरी खुशी क्या है वो यकीनी हो, तेरी रज़ायत, तेरी खुशनुदी यकीनी हो। तो मायूरजी का दायरा बहुत वसी है। मायूरजी का यानी वो सारी चीज़ें कि जो तुझे राज़ी करती हों, जिनसे तू राज़ी हो जाता है, इसका दायरा क्या है, बहुत वसीह है, बहुत तुलानी है, फहरिस्त है उन अमाल की कि जिनसे खुदा क्या राज़ी होता है। इस सिलसिले में कि जो खुदा राज़ी होता है जिन अमाल से, दो बातें काबिल गौर हैं। पहली बात तो यह कि एक उमूमी बात है, वो ये कि हर वो अमल के जिसका अल्लाह ने बंदे को हुक्म दिया है वो उसकी रज़ायत का सबब बनते हैं। ठीक है, हर वो अमल की जो अल्लाह ने बंदे को क्या है अंजाम देने का हुक्म दिया है, बंदा अगर उसे अंजाम देता है तो अल्लाह बंदे के इस अमल से राज़ी और खुशनूद होता है। ये एक अमूमी बात होगी। खुसूसी बात यह है कि कुछ ऐसे मखसूस अमाल हैं कि जिनकी जो क्या है अंजामदेही पर परवरदिगार हतमन खुश होता है, यकीनन खुश होता है। कुछ ऐसे ज़रूरी अमाल हैं कि जिनका अंजाम देना क्या है परवरदिगार आलम की खुशनुदी का बहरहाल सबब बनता है, यकीनन सबब बनता है। मसलन अल्लाह की राह में इबादतें अंजाम देना, नमाज का बरपा करना, सदका देना, खैरात देना, गरीबों की मदद करना, है ना, और जो है वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, या मसलन जो है वो क्या है वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ जो क्या है अच्छा बर्ताव करना, बिलखुसूस माँ के साथ। इस तरीके के बहुत सारे अमाल हैं जो खुसूसी फहरिस्त में भी आते हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह क्या है हतमन अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। ठीक है, लदा खुलासे के तौर पर अगर जो है वो इसके दायरे को बहुत जो है वो क्या है मुख्तसर किया जाए, इस गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि हर वो अमल कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है खुसूसियत के साथ अगर बंदा उसको अंजाम देता है तो क्या है परवरदिगार उससे राज़ी और खुश होता है और ये रज़ात परवरदिगार के दायरे में अमल आता है। वऊज़ु बिका मिम्मा युदीक, और माबूद उन अमाल से तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ कि जो अमाल अंजाम देने के बाद तेरे गज़ब और तेरे गुस्से का सबब बनते हों। ठीक है, वो अमाल की जो तेरे गज़ब का सबब बनते हों उससे तेरी पनाह मांगता हूँ, यानी उनसे दूरी चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर आमाल में मसलन कुछ आमाल वो हैं कि जो रज़ायत परवरदिगार के लिए सबब बनते हैं, तो वहीं कुछ आमाल ऐसे हैं कि जो गज़ब परवरदिगार का सबब बनते हैं। अगर कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनके अंजाम देने से खुदा राज़ी होता है, तो कुछ आमाल ऐसे भी हैं कि जिनके अंजाम देने से क्या है, खुदा गज़बनाक होता है। तो दोनों तरीक़े की दुआ है कि पहले उन आमाल के अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे कि जो तुझे राज़ी कर सकते हैं, और उन आमाल से बचने की तौफ़ीक़ दे। पनाह मांगता हूँ कि जो है वो तुझे गज़बनाक कर रहे हैं, जिनसे तू गज़बनाक होता है। जाहिर सी बात है कि इनमें भी दो तरीक़े की गुफ्तगू हो सकती है, जैसे कि पहले की गई थी, बिल्कुल इसी तरीक़े से कि अमूमी और ख़ुसूसी तौर पर। उन्हीं गुज़िश्ता बातों को बिल्कुल जो क्या है आप बरअक्स करके समझ सकते हैं कि मसलन जो है वो बातें कि जो अल्लाह ने मना किया है, अगर जब इंसान उसका अंजाम कर देता है, उन आमाल को अंजाम देता है जिनको खुदा ने मना किया, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ऐसे गज़बनाक होगा। ठीक है, या बिलखसूस जिन आमाल के अंजाम देने के लिए खुदा ने कहा है बंदा उसे तर्क कर दे तो खुदा गज़बनाक हो। तो मसलन जो है वो आदमी तारिकुस्सलात हो जाए, नमाज बिल्कुल छोड़ दे, वालिदैन के लिए नाफरमान हो जाए, मसलन खैरात ना करे, ज़कात ना दे, अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर ना करे, वगैरह वगैरह अहकाम खुदाबंदी की जो है वो क्या है पाबंदी ना करे, तो ये गज़ब परवरदिगार का सबब बनते हैं ये आमाल। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, गरचे जो है वो आमाल के जो गज़ब परवरदिगार का सबब बनते हैं उनकी भी फहरिस्त बड़ी तूलानी, उनका भी दायरा बहुत वसी है, लेकिन क्या है यहाँ पर ज़ाहिरन उसका महल नहीं है कि पूरी गुफ्तगू की जाए। खुलासे के तौर पर अगर समझना चाहें तो वो आमाल के जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर वो अंजाम दें तो अल्लाह की रज़ायत का सबब बनते हैं। वो आमाल के जिनसे अल्लाह ने क्या है दूर रहने को कहा है, उनसे आदमी बचा रहे तो क्या है ये भी रज़ायत परवरदिगार। लेकिन वो आमाल के जिनके लिए अल्लाह ने मना किया उनको अंजाम देता तो गज़ब परवरदिगार और जो है वो परवरदिगार आलम के खश्म और गुस्से का आदमी सबब बन जाता है। अगला जुमला व असअलुक तौफीक फ़ीही लिअन अतीका व असीक। अल्लाह ताला जो है वो क्या है परवरदिगार से बंदा सवाल करता है कि महबूद जो है वो मुझे इस बात की भी तौफीक देना कि जो है मैं इसमें तेरी अताअत कर सकूँ, ना कि तेरी मासियत। परवरदिगारा मैं इस बात का तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी अताअत कर सकूँ, तेरी मासियत ना कर सकूँ। बेशक अल्लाह ने अम्बिया और मुरसलीन को इसीलिए भेजा था ताकि जो है वो बंदे इताअत इलाही कर सकें और इसकी मासियत से दूर रहें। इताअत इलाही बंदे कर इसीलिए अम्बिया, मुरसलीन, अइम्मा और उलमा, सुलहा को इसलिए जो है वो रखा गया ताकि बंदे क्या है इताअत इलाही को अंजाम दे सकें और मासियत किरदगार से दूर रह सकें। यकीनन अम्बिया उन्हीं काम के लिए आए थे, उन्हीं बातों को समझाने के लिए आए थे कि जो अल्लाह के इताअत के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो कुछ भी हमारे मसलन जो है वो मारूफ़ में पाया जाता है, मसलन वो बातें कि जो बिल्कुल मारूफ़ में है और कही जाती है कि साहब जो है वो इनका करना अच्छा है, इनका करना जो है वो बेहतर है, इनका करना जो है वो क्या हसन है, इनका करना जो है वो नेकी है, ये सारी चीज़ें क्या है ये सब के सब क्या है मारूफ़ में है। ये सारे आमाल जो है वो क्या है हसनात, नेकियाँ सब मारूफ़ में है। इनका अंजाम देना रज़ात परवरदिगार का सबब, और अम्बिया, अइम्मा, मुरसलीन ये सब इसीलिए आए ही थे, इसी की तबलीग के लिए, इसी के जो है वो क्या है पहुँचाने के लिए, इसी के हुक्म को जो है वो क्या बंदों तक पहुँचाने के लिए, ताकि बंदा जो है वो इन आमाल को पूरी तरीके से अंजाम दे करके अल्लाह के इताअत का क्या है अमल अंजाम दे सके, वाकई जो है वो इताअत खुदा का अमल अंजाम दे सके, वो अमल अंजाम दे जो इताअत खुदा की मंजिल तक बंदे को ले जा सकते हैं। और वही चीज़ें जो हमारे यहाँ मसलन जो है वो मुनकर हैं, जो मना की गई हैं अंबिया के ज़रिए से, आइम्मा के ज़रिए से, मुरसलीन के ज़रिए से, है ना, औसिया के ज़रिए से, क़ुरान और रिवायात के ज़रिए से, वो क्या हैं मासियत में शुमार होती है। लिहाजा आदमी जो है वो इनसे बचे। इसलिए भी दुआ है कि जो है महबूब हमें जो है वो क्या है इताअत गुज़ार बनाना और ना कि जो है वो अपनी मासियत के लिए दूर रहें मासियत से और इताअत कर सकें। आखिरी जुमला, या जवाद साइलिन, सवाल करने वाले के सवाल पर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बख्शिश और जुदो सखा करने वाले परवरदिगार। बेशक हम सब के सवालात उसी के बारगाह में, हम सब जो है वो उसी के बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। हम सब अपनी गुनाहों के लिए, अपनी जो है वो नमतों के लिए, अपनी जो है वो क्या परेशानियों के लिए, अपनी जो है हाजात के लिए, जो भी हमारे यहाँ मसलन जो है वो खुशगवार हालात हो या नाखुशगवार हालात हो, सब में क्या है, हम अपने खुदा से दुआ करते हैं, उसी की बारगाह में हाथ उठते हैं। हमारा जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठना, ये अल्लाह का क्या है, इस पर परवरदिगार क्या है, जवाब देता है। और जवाब कैसा देता है, जूद और सखा के ज़रिए से, अपनी जो है वो क्या है, दाद और दहिश के ज़रिए से, सखावत के ज़रिए से। मसलन हम मांगते हैं एक चीज़, वो देता है हमको 10 चीज़ें। ऐसा बहुत होता है, अलबत्ता हम इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते हैं। बस औक़ात हमने मांगा जो है वो अल्लाह से कोई एक चीज़ और उसने जो है वो हमको कई चीज़ें दे दी। हमें सोचते हैं कि नहीं साहब जो है वो उसने, मसलन एक आदमी जो है वो औलाद मांगी, तो ये नहीं कि अल्लाह ने उसे सिर्फ औलाद दी, बल्कि औलाद के साथ साथ जो है वो उसे इज्जत हो, करामत हो। या मसलन जो है अगर औलाद नेक है, कायदे की है, मुतई है, फरमाबरदार है, तो ये सब क्या है, नेमत इलाही है। ठीक है, तरक्की कर जाए औलाद, अच्छी हो जाए, है ना, मुतई खुदा रसूल, ये सारी चीज़ें क्या है, अच्छाई में शामिल है। तो क्या है कि जो है वो मांगा एक नेमत था औलाद के मसलन, और अल्लाह ने जो है वो एक औलाद दी, तो उसमें इतनी सारी खूबियाँ रख दी। तो ये खूबियाँ जो है क्या है, सब का सब नेमत है मांगने वाले के लिए। ठीक है, तो ऐसा बहुत होता है कि हम मांगते हैं मसलन कोई एक चीज़, और अल्लाह जो है हमें देता है उस एक चीज़ के ज़िम्न में कई चीज़ें। बशर्ते कि हमको मुतवज्जे भी होना चाहिए। जो कुछ भी अल्लाह देता है वो क्या है, जुद और सखा के ज़रिए से। उससे ज़्यादा देने वाला कोई नहीं है कायनात में। सारी बख्शिश उसी की तरफ से, सारी जो है अनायात उसी की तरफ से, सारी रहमत, सारी नगमत, सारी अता बख्शिश सब उसी की तरफ से। जो भी देता है वो सब वही देता है, और वाफिर मकदार में देता है, ज़्यादा देता है, हमारी तलब से ज़्यादा देता है, हमारे इस्तेहक़ाक़ से ज़्यादा देता है। जितना हम नहीं चाहते होते हैं उससे ज़्यादा दे देता है, जितनी हमारी तलब नहीं उससे ज़्यादा दे देता है, जितना हम मांगते नहीं उससे ज़्यादा दे देता है वो। ऐसा आप सब अपनी ज़िंदगी में, और जो है वो हम सब अपनी ज़िंदगी में इसका तजुर्बा करते हैं कि अल्लाह ने क्या है, हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, परवरदिगार आलम ने हमें बहुत कुछ दिया, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने बहुत कुछ दिया है, और वो देता ही रहता है। बस शर्त यह है कि उसकी बारगाह में एक बार हाथ उठाया जाए। माह मुबारक रमज़ान जो है वो क्या है, दुआओं का महीना है, हाथ उठाने का महीना। उसकी बारगाह में दुआ करें, हाथ उठाएं, उससे मांगें, तलब करें, सवाल करें। बेशक वही क्या है, सवालों के जवाब देने वाला है। वही क्या है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला, हमारी ज़रूरतों को वही पूरा करने वाला है। हमने कब उससे जो है वो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हमने मांगा भी नहीं तो मगर उसने दे दिया है। ज़्यादा वक्त ना ले, चूँकि आप लोग भी शायद जो है वो सब थके हुए होंगे अमाल करने के बाद। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमाल हैं, आखिरी 1-2 बातें जो बग़ैर मांगे उसने जो है वो हमको दिए हैं। बहुत ऐसे जो है वो क्या हैं, इनामात हैं, ऐसी नेमतें हैं कि जिनको उसने हमें बग़ैर मांगे दिए। हमारे मसला वालिदैन बेहतरीन वालिदैन है दुनिया के, है ना, हर किसी जो औलाद के लिए उसके वालिदैन बेहतरीन वालिदैन होते हैं। कोई कह सकता है कि हमने जो है अपने वालिदैन से, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से मांगा था कि हमको ऐसे वालिदैन दे, ऐसा मुमकिन भी नहीं था। लेकिन बिन मांगे दिया कि नहीं दिया, अच्छे वालिदैन दिए। इसी तरीके से सैकड़ों नियम होते हैं, हमने अल्लाह से मांगी भी नहीं थी, फिर भी उसने हमको दे दी। बस दफ़ा ये होता है, इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, मुस्तहक नहीं होते हैं। अदल व फजल की गुफ्तगू हो चुकी है शायद परसों। अदल की बना पर भी जो है वो अगर देना चाहे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, हमारे हिस्से में शायद कुछ ना आए या बहुत कम आए, लेकिन फिर भी उसने क्या है, बहुत ज़्यादा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि जो है वो बंदा इस बात की तरफ मुतवज्जे रहे कि जो खुदा बिन मांगे या कम मांगने के बाद इतना सब कुछ दे रहा है, तो बंदे की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुदा की बारगाह में मुतवज्जह हो, उसकी बारगाह में इताअत और इबादत में अपना वक्त सर्फ करे। कुछ देर तो जाए माबूद की बारगाह में, कुछ तो लेकर के जाए अल्लाह की जो है वो बारगाह में, कुछ तो लेके हाजिर हो परवरदिगार के सामने। बंदा जब कुछ लेके हाजिर होगा अल्लाह की बारगाह में तो क्या है, उससे ज़्यादा उसे मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जो मसलन जो है वो कम मांगने पे इतना दे रहा है, तो अगर वाकन बंदा जो है वो इताअत के साथ, इबादत के साथ, फरमाबरदारी के साथ, हुक्म की बजावरी के साथ अगर अल्लाह की बारगाह में जाए, खुजू खुशू के साथ जाए, आजिज़ी इनकसारी के साथ जाए, तो परवरदिगार न जाने क्या और कितना दे दे बंदे को कि वो उसे रख भी ना सके। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह जो है वो क्या है, दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। नियामतें देता है तब भी आजमाता है, नियामतें लेता है तब भी आजमाता है। ये दोनों तरीके से वो इसलिए आजमाता है ताकि जो है वो क्या है, ये समझ सके कि जो है वो बंदा कब हमको जो है वो याद करता है। सही मानों में जब नियामतें मिलती हैं तब याद करता है, नियामतें सल्ब होती हैं तब याद करता है। हमको और आपको कब ज़्यादा डरना चाहिए, नेमतें जब ज़्यादा हों या नेमतें ना हों, नहीं बल्कि जब नेमतें ज़्यादा आ रही हों तब जो है वो अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। हदीस है अहल बलागा में भी ये कौल मुबारक मौजूद है, मौला अमीरुल मोमिनीन आखिरी गुफ्तगू इसके बाद ख़त्म दुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है मुबारक मौजूद है कि आपने फरमाया कि जब तुम पर, याद रखो, जब तुम पर अल्लाह की तरफ से मुसलसल नेमतें आ रही हों तो उस वक्त तुम अपने अल्लाह से ज़्यादा डरो। परेशानियों के आलम में नहीं, परेशानियों के आलम में तो आदमी मजबूरन अल्लाह को याद करेगा और डरेगा, उसके लिए उससे खौफ खाएगा। लेकिन इत्मीनान और सुकून और राहत के आलम में या मुसलसल नेमतें मिल रही हों तो क्या है, उस वक्त कहा गया कि अल्लाह से डरो, उसके अजाब से डरो, उसकी नाराज़गी से डरो। ऐसा इसलिए कहा गया कि वो लोग के जो नेमत इलाही में मसरूफ़ होते हैं, नेमत इलाही में गर्क होते हैं और उस वक्त भी अपने खुदा को नहीं भुलाते, नहीं फरामोश करते हैं, तो अल्लाह उनकी नेमतों में इजाफा ही करता रहता है। उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह उनकी नेमतें बढ़ाता रहता है, जैसा कि उसने वादा भी किया है मुतअद्दिद मकामात पर। लेकिन अगर जो है वो ऐसे मौके पर वो अल्लाह को फरामोश कर दें, नाफरमानी पर जो है वो क्या आमादा हो जाए, तो अल्लाह वो नेमतें सल्ब कर लेता है। वो नेमतें परवरदिगार क्या है, सल्ब करता रहता है और परेशानियाँ बढ़ाता रहता है। हम सब दुआ करें माबूद से कि माबूद तेरी नेमतें मुसलसल हमारे ऊपर, ज़्यादा हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी बारगाह में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें, तेरा शुक्र बजा ला सकें, तेरी इताअतें कर सकें, तेरी रज़ायत के लिए जो आमाल है वो अंजाम दे सकें, तेरी मासियत में जो कदम उठने वाले हैं वो कदम ना उठे, ताकि तू गज़बनाक ना हो। आइए इन्हीं कलमात के साथ जो है वो आज रुख्सत लेते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। महबूब से दुआ है कि परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान अब आखिरी मरहले में है, हमारी दुआओं को, तस्बीहों को, इबादतों को, तिलावतों को, जो भी हमारे नाक़िस अमाल हैं शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। महबूद जिन लोगों ने दुआ के लिए तमाश की उनकी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद के जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो लोग मरीज़ उनको शिफ़ा कामिला और आजिला इनायत फरमा। इस मरज़ मूज़ी और मरज़ मुहलिक जिसे कोरोना कहा जाता है हम सब को इससे महफूज फरमा, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए उनको शिफ़ा कामिल और आजिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद का हमारे मुल्क को सही मानों में अमन अमान इनायत फरमा। हमारे मुल्क में सही मानों में महबूब भाईचारगी को और उरूज दे और सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक करामत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आल मोहम्मद का हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब, वली नियामत, हमारे मौला और आका के दहूर में ताजिल फरमा। हम सबको उनके मुखलिस आवान और अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।